उत्तर प्रदेश में एक मासूम नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी की करतूत सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बच्ची से रेप करने का आरोपी कानून और पुलिस को धोखा देने के लिए साधु का वेश धारण कर अयोध्या में अन्य साधुओं के साथ रह रहा था। इसके बावजूद आरोपी ना तो कानून को ही और ना ही पुलिस को चकमा दे सका। आखिरकार हरदोई पुलिस ने नाबालिग बच्ची से रेप करने के आरोपी शख्स को अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की काफी दिनों से तलाश थी, आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने साधु के वेश में छिपे शैतान का चेहरा बेनकाब कर दिया। बच्ची से रेप का आरोपी अजीत प्रताप सिंह हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र के लूममऊ गांव का रहने वाला है। इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आरोपी अजीत प्रताप सिंह ने नाबालिग लड़की से रेप किया और फिर पुलिस प्रशासन को चकमा देने के लिए वह साधु बन गया और अयोध्या के मंदिर में रहने लगा। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अजीत ने हरदोई के संडीला इलाके से बालिका को ले जाकर उसके साथ पहले दुष्कर्म किया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को हरदोई पुलिस ने अयोध्या से अब गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। अजीत के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त अजीत प्रताप सिंह द्वारा अपने परिचित की पुत्री अल्पवयस्क बालिका को लेकर फरार होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसकी काफी खोज पड़ताल की गई, वारंट लिया गया, लेकिन ये बरामद नहीं हो सका था, अरेस्ट नहीं हो सका था। इसके संबंध में अदालत से धारा 82 से RPC की भी कार्रवाई की जा चुकी थी। जनपदीय पुलिस और संडीला पुलिस द्वारा गहन प्रयास करते हुए इसको अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर ये बाबा बनकर रह रहा था और सामाजिक कार्यों में लिप्त था। इस प्रकार से इसकी गिरफ्तारी हुई है।